जय जिनेंद्र, कुक विद मनीषा में आप सबका स्वागत है। आज हमारी रेसिपी है ब्राउनी, चॉकलेट ब्राउनी बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने मैदा लिया है 1 कप, बेकिंग पाउडर लिया है 2 टीस्पून, शुगर लिए है 3/4 कप, डार्क चॉकलेट 3/4 कप, घी या बटर 3/4 कप, जो भी यूज करें, मैं यहाँ घी यूज कर रही हूँ। मिल्क हमने 1/2 कप लिया है। वॉलनट एज यू लाइक, जितना चाहे उतना डाल सकते हैं। और हमें चाहिएगा कोई भी फ्लेवर का एसेंस, मैं चॉकलेट फ्लेवर का डाल रही हूँ, वनीला भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चॉकलेट को मेल्ट कर लेती हूँ। चॉकलेट हमारी मेल्ट हो रही है, तब तक हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है इनको 2 बार छान लेंगे अच्छे से। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारे 2 टाइम मैंने छान लिए हैं। चॉकलेट भी हमारी मेल्ट हो चुकी है। चॉकलेट में अब मैं सबसे पहले घी ऐड करूंगी, आप बटर या जो भी यूज कर रहे हो। व्हिस्क की हेल्प से हम इसे मिक्स करेंगे। बटर और चॉकलेट हमारा मेल्ट हो गया है, मिक्स भी हो गया है। एक साइड मैंने तंदूर गैस पे चढ़ा दिया है प्रीहीट होने के लिए। आप चाहो तो माइक्रोवेव में भी बना सकते हो ब्राउनी को, कुकर में भी बना सकते हैं, तवे पे भी बना सकते हैं। मैं आज तंदूर में बना रही हूँ। अब हम जो हमने छाना है मैदा, शुगर, बेकिंग पाउडर, इनको थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए मिक्स करेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा दूध भी ऐड करते जाएंगे। माइक्रोवेव में बनाते हैं तब हम मिल्क 3/4 कप यूज कर सकते हैं। मैं तंदूर में बना रही हूँ इसलिए हम दूध कम यूज कर रहे हैं। तो अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, इसमें दूध भी और ऐड हो जाएगा। अब हम इसमें एसेंस ऐड करेंगे। 1 स्पून जैसा मैं एसेंस ऐड करूंगी। मैं रेगुलर बनाती हूँ तो मेरे को आइडिया है कितना डालना है, आप स्पून से ही डालें। हमारी कंसिस्टेंसी प्रॉपर है, देखिए। मैंने 1/2 कप दूध लिया था, उसमें से मैंने इतना बच गया है। तो बैटर हमारा मिक्स हो चुका है। केक टिन में भी मैंने ग्रीस करके बटर पेपर लगा के रखा है। इस पे हम वॉलनट ऐसे डाल दूंगी मैं, और थोड़े वॉलनट मैं इस बैटर में डाल दूंगी। इसको मिक्स करेंगे और केक टिन में डाल के बेक होने के लिए रख देते हैं। अब मैं इसे 2-3 बार टैप कर लेंगे और अब ढक्कन लगा इसे अब हम टैप 2-3 बार टैप करेंगे ताकि कोई एयर बबल्स हो तो वो निकल जाए। अब प्री हीट हुआ हुआ मेरे तंदूर में हम रख देंगे और 15 मिनट तक हम इसे चेक नहीं करेंगे। 20 से 25 मिनट लगता है, फिर भी हम स्लो फ्लेम पे मैंने गैस कर दिया है और 15 मिनट हम इसे चेक करेंगे। ब्राउनी को हमारे 25 मिनट हो गया है। मैं टूथपिक डाल के चेक कर लेती हूँ, क्लीन निकल रही है, मतलब ब्राउनी हमारे तैयार है। ठंडी होने से हम इसे निकालेंगे। फ्लेम को मैं ऑफ कर देती हूँ, ठंडी होने से ही हम इसे निकालेंगे। ब्राउनी हमारी ठंडी हो चुकी है, इसको हम नाइफ से कॉर्नर छुटा लेते हैं। अब हम इस पे प्लेट रखेंगे और इसको टर्न करेंगे, एक दो टेप करेंगे और इजीली
निकल आएगी। देखिए बहुत ही मस्त शाइनी। बटर पेपर छुड़ा लेते हैं। आप इसमें कोई भी चॉकलेट यूज कर सकते हैं जो बच्चों को पसंद हो। मैंने यहाँ जो मैं बताती हूँ मोडी की डार्क चॉकलेट यूज की है। बटर पेपर हटा के हम कोई भी शेप में कटिंग कर लेंगे। तो तैयार है हमारी ब्राउनी की खाने के लिए। बना के मेरे को कमेंट कीजिए, जरूर बताइए कैसे बनी ब्राउनी। अगर अच्छी लगी हो मेरी रेसिपी तो लाइक शेयर कीजिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। जय जिनेंद्र।